सबने हारमोनियम तो सुना ही होगा। हारमोनियम की आवाज कितनी मिठास होती है, उस हारमोनियम की आवाज भी, उस म्यूजिक लवर है स्पेशली हारमोनियम के साथ अपना रियाज करते हैं तो उनका एक फेवरेट इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम ही होता है। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ जहाँ हारमोनियम बनाए जाते हैं, तो इनसे हम मिलते हैं। ये हैं जो हारमोनियम बना रहे हैं, तो आपका नेम बताइए। तो ये बताएंगे कि हारमोनियम कैसे ये बनाते हैं और इनकी मेहनत को पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी, जो ये इतना योगदान रहता है इनका हारमोनियम बनाने में, और जो हारमोनियम की इतनी मिठास निकल कर आती है वो सब इनकी वजह से ही निकल कर आती है। तो आप बताइए कैसे आप करते हैं। ये मरंडी की लकड़ी होती है, अच्छा। मरंडी की लकड़ी बोलते हैं, तो बाकी केल मरंडी ये प्रॉपर चलती है। ठीक है, पहले इसको पूरा सुखाया जाता है, सुखाया जाता है कम से कम 1-1.5 महीने इसको सुखाया जाता है आराम से। ये तैयार पीस रखे हुए बॉडी है, इसको रीड बोर्ड बोलते हैं। ये रीड बोर्ड है, जो भी एक और है, ये जो है ये 3.5 का है। अच्छा, हाँ, ये भी होता है। ये 3.5 का नोस्ट आपका होता है, इसका डिजाइन ऐसा होता है, इसके अंदर 11 स्टाप भी बनता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं हारमोनियम में यूज होने वाले पार्ट, जैसे रीड बोर्ड, बेलो, स्टॉपर्स। तो इनके बारे में भैया हमें पूरी डिटेल में बता रहे हैं, जो कि बहुत नॉलेजेबल चीजें हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले इसको, ये हारमोनियम जो बनाते हम, इसको सबसे पहले ये पार्ट बनाया जाता है, फिर उसके बाद में इसमें ये सुर लगते हैं, उसके से ये सुर है, तो इसको बास बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, ये बास, ये बास का सुर जो होता है ये हमेशा नीचे की ओर लगता है, ऐसे इस तरह से, इस टाइप से लगता है, इस तरीके से लगता है पूरा। तो इसमें बास मेल भी होता है, मेल फीमेल भी होता है, बास फीमेल भी होता है, 4 सेट लग सकते हैं। 4 सेट, हाँ। इसमें जैसे कि 7 पंखे भी होते हैं, हाँ, सिंगल वाला भी होता है, सिंगल पार्ट होते हैं इसके, 7 फोल्ड जिसको बोलते हैं, ये 7 फोल्ड। इस प्रकार से इसको अंदर डालते हैं, उसके बाद में 2 स्क्रू इधर कसते हैं, एक इधर होता है, उसके बाद में इसको करके इस तरह से कब जो होते हैं 2 पेच इसके अंदर लगे होते हैं। अभी हो गया, ओके। अब इसके अंदर जो सामान है, जो भी आगे पीछे का जो सामान है, हम इसको काट काट के इस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो दिन में 2 घंटे हार्डली 3 हारमोनियम तैयार होते हैं। तो देखिए कितनी मेहनत लगती है इसमें, और जो सुरों को बनाने वाले हैं ये जो हैं, इनकी वजह से हम हारमोनियम की मिठास को सुन पाते हैं। ये सारे फिटिंग का काम हम लोग करते हैं। और कितना ये बारीकियत से काम होता है और कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो मैं आप सबको कहूँगी कि एक बार इनके लिए आप लाइक कमेंट ज़रूर करें, कि जो हमारे लिए ये सब साज बनाते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं। सुनीति, तो अभी आप बजा रहे थे वो, तो चलिए इनसे सुनते हैं कि इनकी जो उंगलियां चल रही थी ना, वो आवाज़ इनसे सुनते हैं। प्रोफेशनल बनने के बाद उसको चेक करना पड़ता है, कैसे बज रहा है, बाकी भी है ना। लाइक और कमेंट जरूर करें। इस तरह से म्यूजिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, बाय बाय।